slurry rubber hose and mud rubber hose. Slurry rubber hose और mud hose का नाम आते ही आपके गूगल के हर एक पेज पे संध्या फ्लेक्स का ही नाम आता है। आज संध्या फ्लेक्स स्लरी हो जो काफी काम कर चुका है। स्लरी और मड का मतलब होता है कि हम माइंस इंडस्ट्रीज में जाके देखते हैं, जैसे कोयले का खदान होता है या कुछ माइंस जहाँ पे खुदाई किए जाते हैं, तो जैसे जैसे हम जमीन को खोदते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी का तिहाई हिस्सा वाटर लेवल से भरा हुआ है और केवल एक हिस्सा पर ही हम लोग जिंदा है। हमारे जीव जंतु जितने भी है, पेड़ पौधे जितने भी है, वो ओनली एक पार्ट पे ही जिंदा है, फिर भी हम पानी के लिए तरसते हैं। तो आपको जैसे जैसे हम खुदाई करते जाते हैं, अंडरग्राउंड करते हैं, तो पानी निकलना शुरू होता है। तो उस पानी को हम क्या करते हैं, उसमें एलडीपी का भी पाइप रहता है जो काफी हार्ड रहता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, और लोहे आयरन की भी पाइप रहती है विथ बोथ साइड फ्लेंज। तो हमारा जो शरीर का ही देख लीजिए, तो हमारा जो शरीर है ऐसा खड़ा है और हम बैठना चाहेंगे तो हम ऐसा बैठ भी सकते हैं। क्यों बैठ सकते हैं? बैठने का मतलब है, हम क्यों बैठ जाते हैं कि हमारे पास जो है फ्लेक्सिबिलिटी लगी हुई है और हमारा जो हैंड है, हमारा जो हाथ है, ये भी फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपने देखा होगा जो भी आदमी फ्लेक्सिबल होता है वो आदमी को काफी लोग यूज करना जानते हैं, और जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है उससे लोग दूर ही रहना चाहते हैं। तो स्लरी होज जो है ये रबर से बना होता है। इसका इनर डाया जो रहती है आपको 6 इंच और 8 इंच ही ज्यादा पॉपुलर साइज है तो मार्केट में, और 12 इंच ही चलता है मैक्सिमम 12 इंच। तो बात करते हैं कि स्लरी होज दो टाइप के बनाए जाते हैं, एक तो डिलीवरी पर्पस के लिए और एक जो बनाए जाते हैं सक्शन पर्पस के लिए। तो डिलीवरी पर्पस के लिए जो होज बनाए जाते हैं उसके अंदर हेलिक्स वायर नहीं दिया जाता है, उसमें प्रेशर भी नहीं बनता है, जस्ट ऐसा एक टूली पंप से जो भी माइंस के अंदर पानी बनता है उसको पंप लगा करके खींच करके बाहर फेंक दिया जाता है। उसको ले आउट ले फ्लैट डिलीवरी होज के नाम से बोला जाता है। और जहां पे भी जैसे कि आपका हम 10 फीट नीचे जाते हैं खुदाई करते करते माइंस इंडस्ट्रीज में, तो 10 फीट में जैसे नीचे जाएंगे तो जमीन से पानी निकालना शुरू हो जाता है। तो उसको पानी को जब तक हम निकालते नहीं जाएंगे तो वहां पे हमको काम करना मुश्किल होता है। तो वहां पे क्या करते हैं, 10 एचपी का पंप लगाए जाते हैं, 10 एचपी का, 5 एचपी का। तो वहां पे प्रेशर काफी बनते हैं, जैसे कि आप ये हमारे हाथों में जो होज देख रहे हो, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में रखते हैं और इधर से हम पानी डालते हैं और इधर से पंपिंग करते हैं तो इजी निकल के चला जाता है, इसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं पड़ता है। तो माइंस में क्या होता है या कुएं में क्या होता है, आप उस वहां पे क्या है वर्टिकल एंगल में उसको रखना पड़ता है, 45 एंगल में या वर्टिकल एंगल में, और पंपिंग इधर से करते हैं और ऊपर पानी को लेके जाता है, तो वहां पे काफी प्रेशर बनते हैं। अगर आप स्लरी होज परचेज करना चाहते हो तो आपको कम से कम मिनिमम 25 बार का ही प्रेशर का लेना चाहिए और सक्शन को ही लेना चाहिए। जैसे कि हम अंदर से प्रेशर डालते हैं और दूसरे तरफ जाकर के एलडीपी पाइप रहता है,
हार्ड पाइप, बीच बीच में मेटल भी का भी पाइप रहता है, और ये जो होज होता है वैक्यूम के लिए, जैसे आप मोटर बंद कर दे तो पानी काफी रफ्तार से फिर बैक साइड मारता है। उस टाइम में अगर रबर के होज नहीं रहेंगे तो वहां पे जो होजेज है मेटल के वो ब्लास्ट हो सकते हैं, और आपका एलडीपी का जो पाइप रहते हैं वो भी फट सकते हैं। तो उनको भी लाइफ देने के लिए ये जो स्लरी होज का यूज किया जाता है, क्योंकि स्लरी होज जो है जैसे प्रेशर मिलता है तो इसका इंक्रीज द डाया और इंक्रीज द लेंथ, ये हर एक साइड में मूवमेंट होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चारों तरफ इसका, और जैसे वैक्यूम भी होता है, जैसे पानी ऑटोमेटिक खींचता है ना, तो आपको वैक्यूम होता है पूरा खाली, सडनली कोई चीज का खाली करोगे तो सडनली उसमें वैक्यूम बनता है, एयर आता है, तो वहां पर भी इसके अंदर लाइनर जो होता है हाई एब्रेशन कंपाउंड का होता है, जैसे एसबीआर रबर और नेचुरल रबर, जो कि आपको इसके अंदर से मर्ज का मतलब होता है, इसमें कंक्रीट भी हो सकता है, कुछ पार्टिकल सार पार्टिकल भी हो सकता है, तो उसको इनर रबर को घिसते रहता है, घिस करके काटता भी है, जैसे कि आपका ड्रेनेज, ये जो मर्ज वो जो होते हैं, जो सलारी वो जो होते हैं, ग्रेनाइट इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, जैसे आज हमारा मॉडर्नेज है, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों को काट करके एक शाइनिंग दिया जाता है, तो वहां पर डायमंड कटर से काटे जाते हैं, तो वहां पर जो मड बनते हैं वो स्लरी होज ऐसा पंपिंग करता है और उसको मड को खींचता है, फिर गिराता है, मड को खींचता है, जबकि पानी जब तक उस पर नहीं कंटिन्यूस डाले जाएंगे पत्थर पे तो वो डायमंड काटता नहीं है। तो आज के डेट में जितने भी आपका ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज है, जैसे कि आपका साउथ इंडिया में बहुत सारा स्टोन पाए जाते हैं और कलर कलर का आपने देखा होगा काफी घरों में लगाए हुए, तो ग्रेनाइट ही तो बोलते हैं, और ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज का देखा जाए तो राजस्थान में और आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत कंपनियां है और बहुत कारोबार इसका। तो आपने देख लिया कि आखिर स्लरी होज क्या है और स्लरी होज का एप्लीकेशन क्या है। कभी भी आपको स्लरी होज और मड होज की जरूरत पड़े तो आप संध्या फ्लेक्स को ही कांटेक्ट कीजिए, और कांटेक्ट नंबर हमारा नोट कर लीजिए 9652998932 9550921831। और आप कांटेक्ट भी नहीं कर पाते, हो सकता है हमारा कांटेक्ट नंबर बिजी हो, तो आप हमारा मेल आईडी पर जाकर के हमें कांटेक्ट कर सकते हो, sandhyarabbar@gmail.com और sandhyaflex2020@gmail.com। और हमारे बारे में आप जानना चाहते हो और डिटेल में जानना चाहते हो कि आखिर स्लरी होज क्या है और उसका यूज क्या है और उसको हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ये सारे पीडीएफ हमारे वेबसाइट पर मिलेंगे और गूगल पे भी मिलेंगे, आप खाली आपको सर्च करना होगा कि हाउ टू यूज स्लरी होज, हाउ टू मेंटेन और व्हाट इज द फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ द स्लरी होज, ये सारे डिस्क्रिप्शन के साथ संध्या फ्लेक्स आपको लेकर के आता है गूगल के पेज पे, आप जाके विजिट करके खाली संध्या फ्लेक्स मार के देख सकते हो, आपको सब कुछ, आपको नॉलेज, कोई भी ऐसा टेक्निकल थिंग्स नहीं है जो संध्या फ्लेक्स ने आपसे छुपा के रखा है, और कभी भी हाइडन नहीं, आपको एजुकेट करना, आपको नॉलेज देना ही हमारा मकसद है। इसके लिए आप और भी डिटेल के लिए हमारा वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए www.sandhyaflex.com। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और भी नॉलेज चाहिए तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, आप उसके साथ हमेशा बने रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।